नीलोखेड़ी विधानसभा का गांव संधीर। किसी जमाने में इस गांव को कुश्ती के लिए जाना जाता था। इसके बाद इस गांव की पहचान सब्जी उत्पादक गांव के रूप में हुई। इस गांव ने कई बड़े पहलवान दिए, लेकिन हैरत की बात यह है कि संधीर गांव में आज तक खिलाड़ियों के खेलने के लिए एक भी स्टेडियम नहीं बना। संधीर गांव का लेखा जोखा दिखाने के लिए और युवाओं की मांग प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हम पहुंचे हैं गांव संधीर। गांव संधीर का सरकारी स्कूल लॉकडाउन से बंद है, बच्चे नदारद हैं, तो कांग्रेस घास का डेरा हर तरफ गंदगी, कांग्रेस घास और अव्यवस्था, इन सब के बीच स्कूल के कोने में खेल रहे युवा, जिनमें कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं, गांव में स्टेडियम की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। कई सरकारें आई लेकिन स्टेडियम नहीं बन पाया। संधीर के युवा जो खेलों में भाग्य आजमाना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं और पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रनिंग और प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम भी नहीं है। गांव के युवा रवि कुमार इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे गाँव में मुख्य समस्या जैसे खेतों के रास्ते हैं, वो सभी रास्ते कच्चे पड़े हैं, उनको पक्का करवाने की बहुत बड़ी समस्या है। ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बरसात में, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और एक मुख्य समस्या है जैसे नौजवान लड़के हैं, वो उन्होंने खेलने के लिए कोई स्टेडियम की सुविधा नहीं है, गांव में कोई स्टेडियम नहीं है। सब ने अपने प्रयास किए, फिर भी बच्चे असमर्थ है खेलने में, तो ये स्टेडियम की भी एक मुख्य समस्या है। सरकार को भी कई बार एक सरपंच के माध्यम से भी हमने प्रस्ताव भेजे हैं, तो असफल रहे वो सब। और दूसरी समस्या है गांव में बीपीएल परिवार, जैसे कि गरीब परिवार है, उनकी समस्या है बीपीएल की और कॉलोनियों की, जो मेन समस्या है हमारे गांव में। ये समस्या दूर करने के लिए हम गांव के बीच में आ रहे हैं, सभी भाइयों के सहयोग से, सेवा का मौका मिलता है तो हम इन समस्या को दूर करेंगे। बीपीएल कार्ड की क्या समस्या है हमारे गाँव में? ऑलमोस्ट जैसे कि जो गरीब जनता है उनके ना बीपीएल कार्ड नहीं बने हुए, तो अभी जैसे कि कुछ तो इस प्लान में बने हैं, तो हम ये चाहते हैं अभी सब जिसको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए, जो लायक है सुविधा के, उनके लिए पूरा दिन रात तत्पर होकर ये काम करेंगे। स्टेडियम क्यों जरूरी है? स्टेडियम ये जरूरी है कि गाँव बड़ा है, नौजवान बच्चे हैं, बच्चे अपना भविष्य के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, पर उनको खेलने के लिए स्टेडियम नहीं मिलता, सुविधा नहीं मिलती, तो बेचारे अपना ऐसे ही रह जाते हैं। तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो मुद्दे ही रहेंगे आपके चुनाव में? हाँ, चुनाव में मुद्दे ही है। सबसे पहले तो देखो मुद्दा गांव की समस्या यही है, मेन समस्या क्या है भी अपने बच्चों को, नौजवानों को गलत कोई नशे की तरफ ना जाए, और उनको खेलने के लिए स्टेडियम मिलेगा, वहाँ उनका अपना मनोरंजन भी होगा और अच्छा रहेगा उनके लिए भविष्य में भी। और जैसे कि ये बताया आपको मैंने, जमींदार भाइयों के लिए कच्चे रास्ते जो पड़े हैं उनको पक्के कराने की है, गरीब जनता के लिए कॉलोनी कटवाएंगे, और जो ये अपना बीपीएल परिवार की समस्या इसको दूर करेंगे। विधायक है, सरकार उनसे तालमेल रहेगा, वो कैसे विधायक क्या कहेंगे विधायक और सरकार के बारे में? बढ़िया है, सरकार काम कर रही है अपना गांव में, जैसे जैसे काम हो रहे हैं, एक साथ तो सब काम होते नहीं है, विधायक जी भी काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, काम चल रहे हैं गांव में, जो पेंडिंग काम थे वो काम अभी स्टार्ट भी हो रहे हैं। हमारे गांव में कई सालों से अब तक है ही नहीं, मेरे हिसाब से कोई स्टेडियम नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई भी किसी भी खेल के लिए। क्या चाहते हैं? तो हमारे को कोई अच्छा सा ग्राउंड स्टेडियम, जहाँ पे हमारे गांव के लड़के लड़कियाँ बड़े बूढ़े आके फिर सके, खेल सके, ऐसा ग्राउंड चाहिए हमारे को। जो लड़के हैं परफॉर्मेंस देने किस तरह देते हैं? ग्राउंड तो है नहीं यहाँ पे, बाहर ग्राउंड है नहीं, कोई करनाल जाता है खेलने के लिए, कोई इधर गांव में, कोई उधर गांव में, तो ऐसे लड़के अच्छे पोजीशन में स्पोर्ट्स में, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? स्पोर्ट्स अच्छे खेलते हैं सभी बच्चे यहाँ पे, तो इस कारण भाई कोई स्टेडियम नहीं है गाँव में, कोई अप्रोच ही नहीं, कोई सहारा नहीं लगता, तो यहीं पर खेलते हैं। बहुत जरूरी है जी, आज के लिए युवा खातर, नशा सब कुछ छुड़वाने खातर स्टेडियम बहुत जरूरी है जी। तो किस तरह खेलते हो, क्या मुश्किल होती है? बस क्या करें जी, पीछे बटले करके पाइप ले आए, पानी वाली जी वाली ले आए, नट ले आए, ऐसे काम चला रहे, कोई ऐसा नहीं है भाई, बढ़िया परिवार से आ यही आपस में इधर उधर से करके पैसे ला रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं भाई, कहीं कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ना कोच है ना स्टेडियम है? ना कोच है ना स्टेडियम है जी। हाँ,
स्टेडियम जी गांव में जरूर होना चाहिए जी, ना कोई स्टेडियम है ना पार्क है जी यहाँ, मतलब जिसमें हम शाम कोई मतलब कि सुबह शाम मतलब टहल सके, कोई भी बुजुर्ग हो चाहे मतलब माता हो हमारी कोई भी हो, ना कोई स्टेडियम की सुविधा है ना ही कोई कोच की सुविधा है जी यहाँ। खिलाड़ी अच्छे हैं जी यहाँ पे, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जी, मतलब कि अपने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दिखाते हैं जी यहाँ, उसको मतलब कि स्टेडियम होना जरूरी है जी गाँव में जी। हमारे गांव में ना ग्राउंड है ना पार्क है ना कुछ खेलने की सुविधा नहीं है, कोई पार्क नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही बच्चे स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें ग्राउंड चाहिए। बच्चे यहाँ पे बहुत है खेलने के लिए, बहुत बढ़िया खेलते हैं, इसलिए हमें ये करना ही हो रही है खेलने के। स्कूल वाले हाँ जी अपना ही लिया हुआ है, कोई नहीं देता। गांव के युवा नशे से दूर रहने के लिए खेल चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें मैदान भी उपलब्ध नहीं करवा रही। क्या यही है युवाओं की सरकार? इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, युवाओं की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे।